नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अनस। वेलकम टू अनस के व्लॉग्स। और अभी बजे सुबह के 7:30 और मैं उठ चुका हूँ। अब मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने। अभी बज रहे हैं शाम के 8। मैंने व्लॉग की शुरुआत सुबह 7:30 बजे कर दी थी जब मैं मेरी क्लासेस अटेंड कर रहा था, और फिर उसके बाद मेरी 12 o'clock को क्लासेस ख़त्म हो गई। फिर मैं सोचा कि थोड़ा नैप ले लेता हूँ, मैंने नैप लिया, फिर उठ के मेरी स्टडीज़ कंप्लीट किया। सब करते करते ये वक्त हो गया और अब मुझे वक्त मिला फाइनली कि मैं मेरा व्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। तो आज का टॉपिक है कि हम मेरा जो ट्राइपॉड था कल, जिसे हम लोग ने अनबॉक्स किया था, आज उसका मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैंने पूरा चेक किया हर तरफ से ट्राइपॉड को। सो लेट्स मूव ऑन टू इट। मेरा तो कोई टेक चैनल है नहीं, मैं ऐसे ही एक व्लॉगर हूँ और मैंने लिया हो, तो मैं एक ऐसे ही आपको रफ रिव्यू दे दूंगा। तो ये मुझे 764 rupees के प्राइस पे पड़ा था ट्राइपॉड, और मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था। और ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है, तो ये पूरा घूमता है और आपको समझो इसको किधर भी हैंग करना है, समझो फॉर एग्जांपल आयरन रॉड पे या ट्री पे, तो ये इजीली हो जाता है, ये बेंड हो सकता है इजीली। और ये बहुत हैवी ड्यूटी वाला है, मैंने इसे 2-3 बार रफ यूज़ करके भी देखा, बहुत अच्छे से ये चला और ये बिल्कुल भी स्टेडी रहता है। कभी कभार आपका हाथ शेक होता है तो ये बकवास रिकॉर्डिंग कर देता है। और इसकी जब मैं रिमोट की बात करूँ तो इसका रिमोट इज़ फैंटास्टिक। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मोबाइल पर, और इसमें इधर दिया है iOS के लिए, तो जिनका iOS होएगा एप्पल तो वो ये बटन दबाएंगे, और जिनका एंड्रॉयड होएगा तो ये बटन दबाएंगे। और ये ट्राइपॉड अभी शाम के वक्त में मैं नीचे जा रहा था कुछ काम से, और मेरे से ये लिटरली फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई से गिर गया, और मैं नीचे जाके उसे उठाया और ये एकदम परफेक्ट था, इसे कुछ नहीं हुआ और अभी भी ये चलता है सही से, और इसकी लाइट भी ब्लिंक होती है, तो इट्स वर्किंग। यही था रिव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा बेंड होता है। मैं आ चुका अभी मेरे बेड के ऊपर, मैं खड़ा हूँ मेरे बेड पर, और इधर एक आयरन रॉड है, तो मैं इसे आपको लगा के बताता हूँ कि ये कैसे लगता है। गाइस ये इधर लग चुका है, और ये एक मोबाइल का, मेरे हिसाब से एक मोबाइल का वेट ले लेगा इधर। अगर आपको टाइम लैप्स के ऊपर शूटिंग करनी है तो आप ये बेस्ट थिंग है, आप इधर लगा कर जो भी आपकी शूटिंग है वो कर सकते हो। एंड ये तो ऐसे लगता है ये, और मुझे इसका नाम रखना चाहिए ऑक्टोपस, मैं मेरे हिसाब से इसका नाम ऑक्टोपस रखता हूँ। गाइस ये था इस ट्राइपॉड का रिव्यू, और मेरे हिसाब से ये वर्थ बाइंग है। और इसकी जो फील आती है जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो एकदम स्ट्रॉन्ग फील आती है इसकी, तो यस यही था रिव्यू। गाइस कल के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैंने आपको इतना बोला कमेंट करिए, और मेरा कमेंट सेक्शन ही ऑफ था उस वीडियो का, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं उसे ऑन नहीं कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। आज मैं ख्याल रखूँगा कि वो चीज़ वापस ना हो। और गाइस मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी थी कि जितना आप वीडियो को शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स उतने ही बढ़ेंगे और हमारी फैमिली उतनी ही बढ़ेगी। और आपके लिए एक न्यूज़ थी कि 100 सब्सक्राइबर्स पर हमारा एक स्पेशल Q&A वीडियो होने वाला है, तो यही थी एक न्यूज़। तो जल्दी से जल्दी आप 100 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। अगर इम्पॉर्टेंट बातें हो ही रही है तो मैं एक और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसे टाइप का व्लॉग चाहिए। एक तो होते हैं इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, दूसरा होता है मोटो व्लॉग, फिर आ जाता है हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग, तो ऐसे बहुत तरह के व्लॉग्स हैं, तो आपको कौन सा व्लॉग पसंद है आप बताना, हम वही व्लॉग्स ट्राई करेंगे। और मोटो व्लॉगिंग की जगह हम बाइक कार तो नहीं चला सकते, तो साइकिल चलाएंगे। ऑफ कोर्स मेरे पास एक साइकिल भी है विच इज़ नॉट हियर, अभी वो इधर नहीं है, मैं उसे ज़रूर मंगाऊंगा इधर, तो हम इधर भी मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं साइकिल पर, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन से टाइप के व्लॉग्स चाहिए। और अभी फ़िलहाल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, वरना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर ट्रैवलिंग के भी व्लॉग्स आपको आएगी। बहुत लोग मुझे बॉम्बे के बाहर से भी देख रहे होंगे, तो मुंबई का वेदर के बारे में मैं बात करूँ तो मुंबई के वेदर में फ़िलहाल अभी रेनी सीजन चल रहा है ऑफकोर्स, तो इधर बारिश थोड़ी मोड़ी हो रही है, लेकिन
इधर हवा बहुत चल रही है क्योंकि शायद चिपलुन में इधर बहुत बारिश हुई थी, तो उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इधर भी आ रहा है। अचानक से एकदम हवा आ रही है, फिर रुक जा रही है, फिर थोड़ी बारिश होके जा रही है, तो बहुत एकदम अनस्टेबल क्लाइमेट है इधर का। तो गाइज अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और मुझे मेरा एक दोस्त मिला है, ये मेरे साथ मदरसे में पढ़ता था मेरे बहुत पहले से, और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ वापस कल की तरह स्नैक्स लेने, और मैं आ चुका हूँ मुंबई की सड़कों पर फाइनली। मैं आपको व्यू देता हूँ अच्छा वाला। तो ये कुछ व्यू है हमारे इधर के रोड का, क्या मिलते हैं सुपरमार्केट पर। तो वापस से मैं सुपरमार्केट पर आ चुका हूँ और मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज पिकनिक लूँगा। ये 5 रुपीज़ का 10 रुपीज़, तो मैं ये 4 ले लेता हूँ, 2 मेरे लिए 2 जक्की के लिए। तो मैंने फाइनली ले लिया हूँ पिकनिक और मैं घर की, फाइनली मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और फिर अब जो मैंने स्नैक्स लाया था वो अभी मैं खा चुका हूँ, और जक्की अभी तक आया नहीं है, पता नहीं वो गया है किधर, जैसे ही आएगा तो मैं उसका पिकनिक उसको दे दूंगा, इधर रखा हुआ है। गाइस फिर से एक बार, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा व्लॉग को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। देन डोंट वरी बी हैप्पी।